अवतार यादव जो कि एलविश यादव के पिता है उनके साथ हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके का एक शिकायत हुई, जिस तरीके की शिकायत की गई आपके बेटे के खिलाफ, कि किस तरीके से इसको देख रहे हैं, कब आपको पता लगा कि ऐसे उसके अगेंस्ट? मेरे को पता लगा, यहाँ से फोन गया था कि भाई हम यहाँ से बोल रहे हैं, उसके बाद तो कई फोन आए हैं, शायद 3 बजे के आसपास या 3:30 कुछ पता नहीं टाइम को। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे को गुड़गांव में काम था स्कूल से, और मैं आया भी हूँ जैसे, क्योंकि ये तो बेबुनियाद सारी चीजें हैं इन चीजों का। अब आप लोग का भी काम है हाईलाइट करना भी, और भाई फिर दोबारा भी एल्विस ने बकायदा एक बयान भी जारी किया है उसमें। अच्छा, नहीं मैं नहीं सुन पाया। आपकी बात कब हुई थी उससे? मेरे ख्याल में 3:30 इससे आधा घंटा पहले हुई थी अभी। क्योंकि जिस तरीके का मामला उनके ऊपर दर्ज है, संगीन भी है, और जिस तरीके की धाराएं हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ से संबंधित धाराएं हैं, काफी संगीन धाराएं हैं, क्या उसके बारे में आपको कोई जानकारी दी गई है अभी तक इस बारे में? कहाँ फुर्सत है इन चीजों की, किसी बात कर रहे हो, क्या इन चीजों की कहाँ फुर्सत है कि भैंस हम पालते हैं, गाय हम पालते हैं, कुत्ते बिल्ली हम पालते हैं, रोटे मतलब देखो सांप तो नहीं पालते भाई हम, सांप तो जहरीला होता है, हमें डर लगता है। तो अब ये कह रहे हैं, सुना है कि भाई कोई पता नहीं क्या बता रहे हैं, कोबरा वोबरा भाई, इनका तो नाम ही वैसे खतरनाक होता है। मतलब जिस तरीके का एक स्टिंग किया गया भाई, स्टिंग है तो फिर आप चला दो उसको यार, स्टिंग है तो उनके पास कुछ भी चले, वो तो फिर उसमें तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो मेरी वैल्यू नहीं है फिर तो, या हमारी किसी की भी। क्या 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 बात कही जब आपसे बात हुई थी एल्विस की, तो उसने क्या बताया? बेटा ठीक रहा, कहा बोला मैं, क्या चल रहा है? बोला कुछ नहीं है पापा जी, देख लो क्या क्या वो चल रहा है, कैसे कैसे लोग होते हैं, मगर भगवान उसको सद्बुद्धि दे। मैंने तब भी यही कहा है कि आप जब हम चोरी नहीं तो डरने की क्या हो सकता है, क्योंकि खुद जो है अब नोएडा पुलिस जो है अब समन भी इशू करेगी, तो कब तक? पुलिस तो प्रशासन तो अपना काम करेगा, वो तो करना भी चाहिए, अगर मैं आपके कर दूं तो समझ सकते हो आपकी ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा? व्हाई नॉट, बिल्कुल, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी जाएगा, वो बिल्कुल जाना चाहिए। ओके, तो अभी आखिरी बार कब दिल्ली में कब आया था वो, अभी फिलहाल कहाँ पे है? फिलहाल मुंबई में है वो, चंडीगढ़ से मुंबई गया है, चंडीगढ़ गया हो तो उससे पहले गाने वाने, मतलब कहना काम के प्रति जाता रहता है वो, उसके बाद सीधा ही वहीं चला गया। आरोप खारे निराधार है? अब कितने परसेंट कहूँ, 1000-2000%, और भगवान आरोप लगाने वाले को भगवान उसको सद्बुद्धि दे और उसके बेटे को कामयाब करे, हमारे बेटे की तरह, अगर वो कामयाब समझ रहा है और उसको लग रहा है कि पता नहीं क्या है, दिक्कत कर रहा है मेरे को, या पता नहीं जिसने भी किया होगा, मानसिक शांति दे उसको, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, मेरी और कुछ नहीं है, और सांस को आंच नहीं है। लेकिन जो एनजीओ है वो मेनका गांधी का है जिन्होंने ये सारा चीजें, वो तो मेनका गांधी जी भी हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, बाकी मैं नहीं समझता कि वो इतनी बड़ी नेता एक छोटे बच्चे के लिए इस तरह, आई थिंक मैं नहीं समझता उनके ऊपर कुछ ऐसा है, मैंने देखा भी नहीं है कि वो क्या क्या, मतलब उनका नाम आप ही बता रहे हो, मेनका गांधी जी का एनजीओ है ये वो है, उनका तो शायद पूरा देश के जीव जंतुओं का मंत्रालय है उनके पास आई थिंक। तो अभी तक नोएडा पुलिस की तरफ से आप लोगों को किसी तरह का कनेक्ट नहीं है आपके? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किसी प्रकार का, आप ही आए हो पता नहीं, चाय पियो बैठो। शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के आरोप लगे हैं, शिकायत हुई है उसको लेकर उनके पिता ने साफ तरीके से कहा कि इनका, इनके बेटे का इससे कोई भी संबंध नहीं है, और ये इन्वेस्टिगेशन में जरूरत पड़े तो जरूर आएगा। ये एल्विस का घर है जो कि इस वक्त तक बना था, बंद था, अभी थोड़ी देर पहले उनके पिता आए, जब उनके पिता से बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि हम लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, लेकिन सांप को हम लोग नहीं पालते हैं। आरोप उन पर लगाए गए हैं, किसने लगाए हैं उसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा उनके पास भी नहीं है, हालांकि बात ज़रूर हुई है एल्विस से, और एल्विस ने कहा कि मुझे नहीं पता कि किस तरीके का ये मामला हुआ है, कौन मेरे पर आरोप लगा रहा है, किस तरीके की बातें हुई हैं। और अभी फिलहाल एल्विस मुंबई में है, और ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़रूर इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेगा, और इस वक्त हम लोग उसी घर पर मौजूद हैं, घर के बाहर का हिस्सा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उस पोस्टर को भी स्टिक किया गया है, एल्विस की फ़ोटो है, बिग बॉस OTT विनर का ये एक फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है। इस पूरे इलाके में अगर वजीराबाद की बात करें, गुरुग्राम के वजीराबाद की बात करें, तो यहाँ पे एक यूट्यूबर के तौर पर पहली काफ़ी सारी ख्याति ये पा चुका था, उसके बाद जैसे जैसे बिग बॉस में आया तो और ज़्यादा इस पूरे इलाके में उसको लोग जानने लगे, और अब एक बार फिर से एल्विस सुर्खियों में है, लेकिन इस बार की सुर्खियां दूसरे तरीके की हैं, इस बार की सुर्खियां ऐसी हैं जो कि सीधे तौर पर उसको एक
मुजरिम की कैटेगरी में डाल रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पे हाल फिलहाल में अड़ोस पड़ोस में बहुत ज़्यादा लोग बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पिता ने ज़रूर बात की और उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में जानकारी है, लेकिन क्या मामला है अभी तक नोएडा पुलिस ने भी उनकी उनसे कोई किस तरीके का संबंध या संपर्क नहीं साधा है। लेकिन यह है कि एल्विस अभी मुंबई में है, एल्विस से उनकी बात हुई है और उसने भी इन पूरे आरोपों को निराधार बताया है। और कुछ देर पहले ही एल्विस ने भी एक वीडियो जारी किया था, उस वीडियो में भी ये बात कही थी कि जो भी आरोप जो भी बातें कही जा रही हैं उसके खिलाफ वो बिल्कुल गलत है और उसका 1% भी अगर ठीक होता है तो वो पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे लेने को तैयार है। लेकिन एक बार फिर से कह सकते हैं कि एल्विस ज़रूर सुर्खियों में है, लेकिन पहले एक बेहतर चीज़ के लिए था, एक विनर के तौर पर था, लेकिन अब एक ऐसे मामले में उसका नाम आया है जिसमें धाराएं बहुत संगीन लगी है।